सुहेलो एवरीवन, आज की वीडियो काफ़ी डिमांड के बाद बनाई जा रही है, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हो आप मोबाइल में। एक एक चीज़ समझेंगे यार, एक कंप्लीट कोर्स आप समझ सकते हो जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके बदले में मैं क्या चाहती हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और जो लोग सीख रहे हैं उनसे शेयर करो, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। ओके, कभी भी ना किसी देखे चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम और सीखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ जाओ यार, आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इत्मीनान से हम लोग करने वाले हैं। और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ और हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा इंटरफेस है यार। हम जाएंगे तो कैनवा आपको लिखेगा वेलकम बैक, लास्ट टाइम यू यूज गूगल टू लॉग इन, क्योंकि मैंने को आपको बताना है इसलिए मैं एकदम स्टार्ट से कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, कैनवा का पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना, कुछ इस प्रकार का दिखता होगा। अभी हम जब कैनवा पे आ जाएंगे तो गूगल के साथ मैं लॉग इन करने वाली हूँ यार। तो आप चाहो तो आप किसी के साथ कर सकते हो, अपना अकाउंट चूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पर अपना श्रुति राजपूत वाला अकाउंट चूज़ कर लिया है। यू हैव टू एंटर द पासवर्ड, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है टच वाला तो मैंने वही डाल दिया है। इसके बाद अभी वो मुझे वेरीफाई करने के लिए पूछेगा तो मैं वेरीफाई कर दूंगी, क्योंकि मैंने गूगल का यूज़ किया है ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पर वो पूछ रहा है तो येस इट्स मी, दैट्स इट। इसके बाद जो है वो हमको अंदर लेके आ जाएगा, आप देख सकते हो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। और उसके बाद जो है आपका कैनवा का जो डैशबोर्ड है, या कहना चाहिए कैनवा की जो मेन स्क्रीन है या होम स्क्रीन है, वो कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी, विच इज़ वेरी सिंपल। अब जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंक्शन समझाती हूँ। ऊपर आप जो है देख सकते हो फॉर यू, उसके बाद है सोशल मीडिया, उसके बाद है वीडियोज़, उसके बाद है प्रेजेंटेशन, प्रिंट्स, डॉक्स, वाइट बोर्ड्स, वेबसाइट्स, ये सारे ऑप्शन हैं जो कि आप बना सकते हो इसमें। यहाँ पर जो है सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ से आप टाइप कर सकते हो आपको जो भी टेम्पलेट्स चाहिए उनको एडिट करने के लिए। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाई हुई हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाई हुई हैं तो वो आ रही हैं दोस्तों, तो इसलिए हम उसको भी कुछ नहीं करते हैं। कुछ न्यू फीचर्स जो कैनवा के आए हुए हैं वो हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे प्रो फीचर्स हैं दोस्तों, तो इनको आप नहीं यूज़ कर पाओगे, लेकिन जो फ्री चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज कैनवा प्रो तो हमारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ट्राई इट फॉर 30 डेज फ्री ट्रायल कुछ तो भी है, तो आप लिंक चे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहाँ से साइन अप कर सकते हो और जा सकते हो आराम से, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ नीचे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पोस्ट है, योर स्टोरीज़ है, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पर दिख रही हैं। तो हम लोग करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरुआत और उसमें जो है हम सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए मान लो कि मैं जो हूँ, एक अच्छा सा टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि हम बहुत सारे फंक्शन सीख पाएँ, तो हम ये वाला सिलेक्ट ही करते हैं, जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया है और हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं हमारे इंटरफेस पे। अब हम क्या करेंगे, अब आपको जैसे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैनवा विथ श्रुति, डन, ठीक है। तो ये आ गया है। अब जो है जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है तो इसको जो है इसका भी आप जो है टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसकी जो है ये आपको कहीं पे भी ले जाना हो, जैसे यहाँ नहीं चाहिए कहीं और चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, सिंपली उसकी जो है वो सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे लिखना है कैनवा विद श्रुति फ्री कोर्स, ठीक है, ये डन कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर जो है मुझे लिखना है जैसे कि एट द रेट हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है हम वो देना चाहते हैं, तो श्रुति राजपूत 576। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू क्लिक और उसके बाद जो है आप एडिट कर सकते हो। अब भाई मुझे जो है इमेजेस डालनी है इसमें, मान लेते हैं कि मुझे इमेजेस डालनी है तो मैं कैसे डालूंगी। तो इमेजेस डालने के लिए कुछ नहीं करना होता है दोस्तों आपको, सिंपली आपको ये जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से आपको और भी आपकी जो टेम्पलेट्स होंगी वो आप असेस कर सकते हो। बाजू में जो है आपको एलिमेंट्स का टैब दिख रहा होगा, अभी इन एलिमेंट्स के टैब पर जैसे आप जाओगे और यहाँ पर जो है मैं सर्च करती हूँ डिज़ाइन डिज़ाइनिंग, ठीक है, सर्च कर देती हूँ मैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रो वाले आपको यूज़ नहीं करने हैं अगर आप प्रो मेंबर नहीं हो, अगर आप प्रो मेंबर बनना चाहते हो तो काफ़ी कॉस्ट कम है यार, आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। डिज़ाइनिंग पे हम सर्च करते हैं और यहाँ फोटोज़ पे आ जाएंगे दोस्तों, फोटोज़ में आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये जो है ये फ्री इमेजेस हैं, यहाँ देख सकते हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको यहाँ डाल देती हूँ, तो देखो वो जैसे इस फ्रेम में एकदम से चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम कर सकते हैं। अब मुझे ये जो कैनवा विश्रुति है इसका कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे, सिंपली क्लिक करो, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कलर पे आ जाओ। और हम क्या कलर चाहते हैं, हम चाहते हैं पर्पल कलर, तो हम ये पर्पल कलर कर देंगे। कोई और कलर चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर सकते हो पर्पल, डन,
इसके बाद जो है आपको काफ़ी सारी कलर पैलेट्स यहाँ देखने मिल जाएंगी दोस्तों, जहाँ से कि आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी डिज़ाइनिंग और अपने हिसाब से आप बना सकते हो। वेरी सिंपल ठीक है। पीछे आ जाते हैं हम वापस हमारे पेज पर। अब जो है मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये जो एलिमेंट है, और मुझे हल्का सा नीचे चाहिए, तो मैं इसे खसका दूंगी, इसको नीचे कर दूंगी। इसका कलर जो है अभी ऑरेंज है तो हम पर्पल कर देंगे, और राइट ठीक है अभी वापस आते हैं। और दूसरा कलर जो है वो ये मतलब ग्रे टाइप का कुछ कलर है, इसको हटा देते हैं, हम कर देंगे येलो। तो आप देख सकते हो एकदम ब्राइट सा वो जो है हमने बना लिया है। इसका कलर भी हम कर देंगे येलो, डन। इसका पीछे ऊपर का कलर जो है हम कर देंगे पर्पल, डन। नीचे का कलर जो है इसको हटाओ पहले, ये जो है नीचे का कलर इसको भी कर देंगे हम पर्पल, डन। इसको जो है हम वापस हमारी जगह पर ले आते हैं। कहाँ गया वो एलिमेंट, ये देखो ठीक है। अभी जैसे ये पर्पल वाला पीछे है, इसके ऊपर ही आ रहा है, अब मुझे इसको पीछे करना होगा तो मैं कैसे करूँगी? तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे पोजीशन पे, ये आपको पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से टू बैक कर देना तो वो पीछे चला जाएगा ठीक है। इतना ही सिंपल होता है। अभी जैसे मुझे ये है, इसको मुझे इसके ऊपर ही रखना है यहाँ इस तरीके से ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर ही रहने दिया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये जो है इसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, मुझे ये फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा, तो सिंपली इस पर ही रहने देंगे। और यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। अभी फॉन्ट में जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट चाहिए आपको ठीक है, डिस्प्ले चाहिए, किस तरीके के फॉन्ट चाहिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये B612 वाला जो फॉन्ट है मुझे ये पसंद आया, तो मैं कर दूंगी चेंज ऑल पे क्लिक कर देना, तो जितने भी उस तरीके के फॉन्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो ठीक है, ये भी बदल गया। इसको हमको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से, जो है हमने जमा दिया है। फ्री कोर्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं दोस्तों, और हमारा जो है सब कुछ जम चुका है ठीक है। आप चाहो तो फॉन्ट का साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, अभी 25 है, आप ऐसे ऐसे खसका सकते हो जितना भी करना हो ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, जैसे मुझे 21 रखना है तो ठीक है 21 कर दिया। इसका साइज़ 26 है, कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर सकते हो, नहीं करना है मुझे फिलहाल के लिए, तो यहाँ से फॉन्ट साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट, यहाँ से जो है आप इसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे ये इस साइड पर है, राइट लेफ्ट साइड पे है, ये सेंटर पे है ठीक है, यहाँ से सेंटर पे कर सकते हो, और इसको इस तरफ भी कर सकते हो, तो ये आपके पास फॉर्मेट्स होते हैं। इसके अलावा इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बीच में से जो लाइन ऐसे हो जाती है वो कर सकते हो। अब ये ऑल स्मॉल में है, तो इसको ऑल कैप्स में भी इस तरीके से कर सकते हो ठीक है। सारे फीचर्स जो है अंडू कर देती हूँ। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा 1 2 3 और ये डॉट डॉट्स वाला, तो ये क्या होता है, ये बुलेट पॉइंट्स वाला ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लो कि मुझे इसमें जो है पॉइंट्स देने हैं, तो ये देखो 1 आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से जो है आप बॉर्डर विड्थ जो है बढ़ा सकते हो किसी भी चीज़ की। जैसे कि मान लेते हैं ये ऊपर का जो हमारा ट्राइंगल टाइप का एलिमेंट जो दिख रहा है, जो एक्चुअली में हमारा ट्राइंगल है पर वो रेक्टेंगल है, तो इसको हम जैसे मुझे इसकी बॉर्डर बनानी है, तो यहाँ स्टाइल पर जाओगे आप और यहाँ से जो है बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर विड्थ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और इनफैक्ट कॉर्नर राउंडिंग भी कर सकते हो। कॉर्नर राउंडिंग मतलब क्या होता है वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे इसको बीच में लाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, तो इसको छोटा करते हैं पहले, रुको। इस तरीके से मैंने इसे छोटा किया, और अब जो है हम इसकी कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हम गए स्टाइल्स पे, और यहाँ से आप कॉर्नर राउंडिंग देखो, इसके एजेस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं कुल मिला के, और कुछ नहीं ठीक है। तो अभी मैंने इसको यहाँ ले आया आपको बताने के लिए, लेकिन वो ऊपर ही था मैंने, तो अब मैं वापस उसको ले जाऊँगी फिर पोजिशन बैकवर्ड। इससे अच्छा क्या करेंगे हम, यहाँ ऊपर अंडू का ऑप्शन है, सिंपली अंडू अंडू करते जाओ, और वो वहीं पहुँच गया जहाँ वो था। ओके डन ग्रेट। तो हमने इस तरीके से सीख लिया कि हम ये क्या क्या चीज़ें, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, हम वो कैसे कैसे कर सकते हैं। सिंपली मतलब बहुत आसानी से हमने सीखा, हमने सारे फीचर्स ट्राई करने की भी कोशिश की। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बचती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पर ग्राफिक्स पे आओगे तो यहाँ से आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पर अगर आप फिल्टर के ऑप्शन पर जाओगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कैसे ओरिएंटेशन के एलिमेंट्स चाहिए आपको, स्टैटिक मतलब एनिमेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सिर्फ ऐसे प्लेन वाले चाहिए हैं, कटआउट्स चाहिए तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से अगर हम फ्री पे सिलेक्ट कर देंगे तो आपको जितने भी होंगे ना सिर्फ फ्री ही एलिमेंट्स दिखेंगे, विच इज़ वेरी कूल। हमको अब सिर्फ फ्री एलिमेंट्स मिलेंगे और हम जो है प्रो एलिमेंट्स नहीं देख पाएंगे, तो हमको मतलब अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे मैंने ये वाला है ठीक है। तो ये भी एक फ्री वाला जो है टूल है, फ्री वाला जो है एलिमेंट है। इसको छोटा कर दो एकदम, ऐसे सेंटर में लगा दो, कहीं पे भी कर दो, हटाओ, इसको डिलीट कर देते हैं, वो जा नहीं रहा था उसके साथ ठीक है। इसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, फोटोज़ पे हमने आपको बता ही दिया, यहाँ से वीडियोस पे आ सकते हो, आपको कोई वीडियो डालनी हो तो आप डाल सकते हो। शेप्स पे आओगे तो डिज़ाइनिंग नाम का कोई शेप नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ पर सर्कल सर्च करते हो, सर्कल, ओके स्पेलिंग गलत हो गई, सर्कल ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल आ जाएगा ठीक है। कूल, अभी जो है ये अच्छा लग रहा है वैसे उसके पीछे ही, कोर्स के पीछे, तो उसको रहने देते हैं।
इसके अलावा अगर मैं जो है यहाँ शेप से ऑडियो पे आ जाऊँगी तो ऑडियो पे आपको काफ़ी सारे साउंड्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो तो आप डाल सकते हो। फ्रेम्स पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर फ्रेम्स मिल जाएंगे। अभी फ्रेम्स क्या होता है यार, अभी जैसे ये फ्रेम है ना, तो इसमें हम कोई भी फ़ोटो डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, ये अगर मान लो मैं मेरी ही फ़ोटो डालना चाहती हूँ इस फ्रेम में, तो इसको कहाँ करते हैं हम, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, सेंटर में ही रहने देते हैं, और सेंटर में नहीं रहने देते हम उसको, यहाँ कहीं कर देते हैं, कहाँ कर दूँ यार, इसको बड़ा करके यहाँ कर देते हैं नीचे, एक काम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो डाल दूँ मेरी, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे ऐड उस पे बटन पे जाओ, यहाँ पे आपको अपलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से अपलोड कर सकते हो आप फाइल, तो आप यहाँ से अपलोड पे जाओगे और उसके बाद जो है फोटो लाइब्रेरी से अपलोड कर सकते हो। पर यहाँ पे मेरे ऑलरेडी मेरी एक फ़ोटो है, तो हम ये वाली मान लो कि मुझे ये वाली डालनी है, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली इस पर क्लिक करूँगी और हमारी फ़ोटो जो है उसके अंदर आ चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद डबल क्लिक करके आप जो है क्रॉप ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कितनी चाहिए है कितनी नहीं चाहिए, डन कर देना, ठीक है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल होता है, हमने बना लिया है, करके देख लिया है। अब इसके अलावा ड्रॉ का एक ऑप्शन होता है। अब जैसे मुझे कुछ ड्रॉ करना है या मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक स्टार ही बनाना चाहती हूँ, हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको पहले बड़ा करती हूँ और यहाँ पर इस तरीके से एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टार हमने ड्रॉ कर दिया। अंडू कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ये ड्रॉ का फीचर है, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यू कैन ट्राई दीज, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। अब इसके बाद ड्रॉ के बाद है ऐप्स का ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पे ऐप्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी सुंदर सुंदर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ही आपका होमवर्क है कि आपको सारे ऐप्स ट्राई करने हैं, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो दिखाना चाहूँगी। जैसे कि है ये मैजिक वाला, मैजिक मीडिया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओपन करते हैं पहले से, और यहाँ पर जो है मान लो कि मैं सर्च करती हूँ गर्ल, ठीक है, और हम जो बोलेंगे क्रिएट इमेज, तो उसके बाद जो है हमें इमेज क्रिएट करके दे देगा। जो AI वाला फीचर है ना वो इसमें भी आ गया है, सेम इमेजेस में अवेलेबल है और सेम वीडियोस में। तो आपको टेक्स्ट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एकदम ही छोटू सा टेक्स्ट लिख के दिया गर्ल अकेला, तो वो क्या ही दे पाएगा हमको, कुछ नहीं दे पाएगा। उसके बाद भी बेचारे गरीब ने बना करके हमको दी, लेकिन अगर हम अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहे होते कि हमको किस तरीके की चाहिए इमेज, तो उस तरीके की वो हमें इमेज दे रहा होता। उसके बाद भी उसने बहुत खतरनाक इमेजेस जनरेट करके दिए, जैसे मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, कितना कूल है ये। इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ये आपको बताने के लिए जो है मैंने बताया। तो अभी इतने में तो हमें ये समझ में आ गया कि हम कैनवा कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कितनी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये बैकग्राउंड वाला फीचर, यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे सारे के सारे। तो अगर आप थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो उनको जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वुडन वाला है, काफ़ी सारे लोगों के में आपने देखा होगा, तो इस तरीके से देखो वुडन वाला पीछे पूरे में बैकग्राउंड में आ गया। तो अभी अंडू कर देते हैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए है। वंस यू आर हैप्पी विथ योर डिज़ाइन, आपने अपनी डिज़ाइन बना ली, आप कुछ संतुष्टि होगी, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ डाउनलोड पे जाओ, सेव एज इमेज, मतलब वही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से शेयर का ऑप्शन भी आता है, तो यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो, शेयरेबल लिंक भी जो है यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद कॉपी लिंक कर लेना, ये थर्ड वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना और उसके बाद कॉपी लिंक कर लेना, तो एनीवन विद दिस लिंक कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू, तीन ऑप्शन आते हैं, तो अपन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से डाउनलोड करते हैं और आपकी डिज़ाइन जो है वो अंततः डाउनलोड हो जाएगी और हम जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो है सीख लिया कि हम कैसे बनाते हैं, इसको भी डिलीट करो, इतना ही अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। अलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले किस किसने देखा है। इसके अलावा अगर आप कैनवा मुझसे सीखना चाहते हो बहुत डिटेल में और अच्छे से, तो हमारा एक कोर्स है जो कि चल रहा है, जिसमें कि हम आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बनना और एक कैनवा डिज़ाइनिंग, दोनों चीज़ों को जो है हमने मर्ज करके रखा हुआ है, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशल क्या है इस कोर्स में कि भाई 25 से ज़्यादा लाइव रिकॉर्डेड सेशन होंगे, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड तो 37 से भी ज़्यादा लेक्चर्स हैं, बट हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं वो हर संडे 7 PM होते हैं। ये कब तक चलेंगे, अनंत काल तक, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि नाम के नाम पे लिखना पड़ता है कि कितने दोगे, तो मैंने 25 लिखा हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 months, लेकिन उससे ज़्यादा ही होने वाला है। तो आप अभी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट, तो ज्वाइन कर लो कोर्स को। लिंक जो है उसका, कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको कोर्स के अंदर भी मिलेंगे हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, और आगे मिलते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख देना यार कि आपको और नेक्स्ट वीडियोस किस बारे में चाहिए, क्या बनाना सीखना चाहते हो, और ये मोबाइल वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा उसके बारे में बता देना, ठीक है। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।